सर श्री द्वारा नया संदेश न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ प्यारे खोजियों आप सबको शुभ इच्छा हैप्पी था जब आप आए थे पहले दिन तब मन की अवस्था कैसी थी आपका मूड कैसा था देखो इंसान के सामने विचार भाव मूड बदलते रहते हैं इंसान को पता नहीं है इन विचारों को देखना कैसे है इंसान को पता नहीं ये जो भावना आई है शरीर पर इमोशन इसके साथ क्या करना है इंसान को पता नहीं ये जो मन स्थिति बदल गई मेरी मूड खराब लग रहा है अब मुझे क्या सोचना है मुझे क्या करना है इसमें योग्य प्रतिसाद क्या है मैं करूं तो क्या करूं तो अलग अलग मनोदशा के खोजी खिलाड़ी फ़ौजी आते हैं जब कोच के पास कोच जो प्रशिक्षण देता है लोगों को वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लाना है तो वे जाते हैं कोच के पास कि हमसे प्रैक्टिस करवा के लो हमारा लक्ष्य बड़ा है गोल्ड मेडल तो हमसे प्रैक्टिस करवा के लो क्योंकि खुद से करते ना तो मन जो है बहाने देता है अलार्म क्लॉक पर बज गया तो लगता है दस मिनट तो और सो ही सकते हैं। तो इंसान हर दिन ऐसा कुछ टाल टाल कर देखता है कि जो लक्ष्य रखा था वो तो पूरा हुआ ही नहीं आप में से कितने लोग अलार्म पर उठते हैं हाथ ऊपर करें हाँ हाँ कितने लोग हैं जो पहले अलार्म पर उठते हैं वे हाथ ऊपर करें हाँ हर एक अपना एनालिसिस करे हमें क्यों उठना है हमें मालूम ही नहीं अगर तो हम टालते रहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है पृथ्वी लक्ष्य क्या है अपना लक्ष्य क्या है ए पी एन ए क्या है अकम्प मन लेकर जाना है अकम घटनाएं कोई भी हो रही हों आपका मन कंपित नहीं होता है और होता है तो जल्दी संतुलित हो जाता है निर्मल है प्रेमल है आज्ञाकारी है अखंड है ऐसा लक्ष्य है आपका तो उसमें हमें कोचिंग लेनी होती है कोई हमसे करवा के ले तो एक कोच के पास लोग गए हैं सीखना शुरू करने वाले हैं जो कोच है हरे की गीता के अनुसार उनको बताने वाला है तुम ऐसे स्टार्ट करो हर एक की स्टार्ट एक जैसी नहीं होगी हर खिलाड़ी की हर फौजी की हर खोजी की शुरुआत एक जैसी नहीं होगी जब उनको ग्राउंड पर लेकर जाया जाएगा अब ये ग्राउंड है तुम यहाँ से दौड़ना शुरू करो तुम यहाँ व्यायाम करो तुम यहाँ लेट जाओ और कल्पना करो तो हर एक को अलग अलग तरीके से बताया जाएगा तो एक जो इंसान आया है वो किस मन स्थिति से आया है वो अफ्रेड है अफ्रेड यानी फियरफुल आप कैसे थे जब आए थे आप सोच लेना एक आता है जो सैड है एक आता है जो ग्लैड है ग्लैड और एक आकर कहता है आई एम मैड मुझे बस खाली चाहिए गोल्ड मेडल चाहिए और कुछ नहीं आई एम मैड तो ये सभी आपके सामने शब्द कहे सभी को एक जैसी शुरुआत नहीं दी जाएगी हर एक की गीता अलग है अर्जुन को जो बताया गया उसी की जगह पर भीम आता तो कैसी होती थी गीता दुर्योधन आता था तो उसकी गीता कैसे होती थी उसकी गीता ऐसे होती थी जिसमें जैसे अर्जुन को कहा गया था धनुष उठाओ और अंत में उन्होंने धनुष उठाया दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण की बातचीत होती थी तो अंत में क्या होता था वो गधा रखता था नीचे वो गधा नीचे रखता था क्योंकि उसकी गीता अलग है वो तो मारने को पहले ही तैयार है अर्जुन कहता मैं नहीं मारूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि अर्जुन उस वक्त ग्लैड नहीं है ग्लैड यानी आप अर्थ जानते हैं खुश जो होता है उसको कहते ग्लैड है अभी खुश इंसान ग्लैड है वो ग्लैडिएटर बन सकता है जो ग्लैड glad है ग्लैडिएटर बन सकता है स्पिरिचुअल वॉरियर स्पिरिचुअल वॉरियर यानी वो अपने विकारों से युद्ध करेगा चेहरे पर स्माइल होगी ग्लैडिएटर कुछ लोग जानते हों ऐसे तलवारबाज को कहा जाता था पुराने समय में राजा महाराजा मनोरंजन के लिए युद्ध करवाते थे लोगों से ग्लैडिएटर से कुछ कैदियों की आज के युग में लोग डब्ल्यू डब्ल्यू एफ देखते हैं उनको मज़ा आता है रास्ते में भी कुछ लोग झगड़ने लग गए तो लोगों को वही मजा आता है जो उस वक्त राजा महाराजाओं को आता था लोग जमा हो जाते हैं और मार और मार तो जो ग्लैड है, हैप्पी हेड में पहले से ही है सैड को कहा जाएगा तुम हैप्पी हेड पहनो तुम स्वीकार से शुरुआत करो खुद को कहो सैड को क्या कहा जाएगा खुद को कहो आई एम नॉट सैड मैं दुखी नहीं हूं पर दुख की गुफा से गुजर रहा हूं आप जब ट्रेन से जाते हो ना तो रास्ते में कुछ गुफाएं आती हैं बोगदे टनल आप जानते ना थोड़ी देर के लिए होते हैं। गुफा से गुजर गए अंधेरा हो गया पूरा ट्रेन में और जैसे ही ट्रेन बाहर निकली उजाला हो गया तो उस पीरियड में आप खुद को क्या कहोगे आई एम सैड अभी दुख की गुफा आई है दुख की गुफा आई है जो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी मगर आप खुश इंसान हो आप क्या कहोगे मैं खुश इंसान हूं जिसके जीवन में दुख की गुफा आई है थोड़ी देर के लिए आई है ये निकल जाएगी मैं खुद पर कौन सा लेबल लगा देता हूं मैं दुखी आप कुदरत को क्या संकेत दे रहे हो ये दुखी इंसान है तथास्तु दुखी रहोगे क्या सिग्नल गया मैं दुखी आप दुखी थे ही नहीं कभी आप दुख की गुफा से गुजरते आप एक आनंदित इंसान हो आप स्वस्थ इंसान हो बीमारी की गुफा से गुजर रहे जब भी बीमार हो क्या कहोगे खुद को मैं स्वस्थ हूं बीमारी की गुफा से गुजर रहा हूं बीमारी का पिंपल आते रहते हैं ना बीच बीच में पिंपल जैसे आता है तो कैसे देखते हो आप चेहरे पर आया है जाएगा आप बोलते हो मैं पिंपल हूं आप क्या कहते हो ये बीमारी का बोगदा आया है गुजर जाएगा मगर मैं शुरू से ही स्वस्थ हूं हमेशा स्वस्थ रहूंगा ये पंक्तियों का असर होता है आप पर आप क्या जानते हैं हर शब्द की वाइब्रेशन होती है तरंग होती है कुछ शब्दों को कुछ समय तक दोहराना जरूरी होता है उसकी वाइब्रेशन आप पर काम करे यानी वो तरंग एक्टिवेट हो जाए आपके अंदर आप जिस लूप में फंस गए हो ना उससे बाहर लाने के लिए कलाबाजियों का लूप होता है इंसान हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल दौड़ते रहता है विचारों में अचानक उसको काटा जाता है लूप को वर्टिकल वर्टिकल थॉट में आओ वर्तमान में आओ अचानक आप खुद को अलग पाते हो क्योंकि आपने मन मंत्र का उपयोग किया मन मंत्र का उपयोग किया एक मंत्र होता है एक मन मंत्र होता आपको कई ऐसे मंत्र दिए जाते हैं जिससे आप ऐसी परिस्थितियों से खुद को बाहर ला पाओ तो बोगदे से गुजर रहे हो तो बोगदे की एक साइज होती है कोई छोटा बहुत ही कोई थोड़ा उससे बड़ा मीडियम कोई थोड़ा लंबा मैं अल्टीमेटली क्या है गुजर ही जाता है तो आप खुद को कहोगे आई एम नॉट सैड आप कहोगे मैं हैप्पी हूं मगर इस वक्त दुख की गुफा से गुजर रहा हूं गुफा खत्म हो गई तो क्या रहस्य यहाँ क्लियर हो गया कि आप शुरू से ही स्वस्थ हो शुरू से ही मस्त हो शुरू से ही खुश हो आप स्वयं को क्या मानकर जी रहे थे तो अब सेंटेंस करेक्ट कर पाओगे मैं दुखी नहीं दुख की गुफा से गुजर रहा हूँ कोई बात नहीं ये गुजर जाएगा ये यात्रा है यात्रा में टनल नहीं आएंगे तो किधर आएंगे मनुष्य देह की यात्रा है जब टनल आता है ना अंधेरा हो जाता है तो बच्चे उल्टा सीटियाँ ब जाते छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मज़ा आता है सब अंधेरा हो गया तो वैसे ही आप ऐसे समयों पर आनंद मना पाओ हैप्पी हेड को बरकरार रख पाओ गुनगुना पाओ जब टनल जा रहा है तब आप गुनगुना पाओ तो ये गुनगुनाना जो है मुस्कराना जो है आपका मूड बदल देता है लोग अपने मूड में छोटे छोटे कारणों से इसने ताना दिया इसने ये बोल दिया इसने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला कोई भी बात से अपना मूड खराब कर लेते हैं तो उल्टा उस वक्त आपको खुश होना ये मेरी जरूरत है कुदरत आपको याद दिलाना चाहती है तुम कौन हो दुखी हो रहे हो यानी तुम भूल गए हो हु आर यू आप भूल गए हो इसलिए आपको परोसकर दे रहा है ईश्वर प्रस्तुति क्रिएट करता है कि आप अब नए तरीके से सोचो आउट ऑफ बॉक्स सोचो ये शरीर बॉक्स है आउट ऑफ बॉक्स सोचो तो आपको नए विचार ही आएंगे नई आइडियाज ही आएंगी आप आश्चर्य करोगे कि ये विचार मुझे आ सकते थे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की आइडियाज आएंगी कि जो भी समस्या चल रही है टेम्प्रेरी है गुफा से गुजर रही है आप ये ख़त्म हो जाएगी इस बीच में मैं गुनगुना रहा हूँ परेशान हो रहा हूँ गुनगुनाने की वजह आप खुद हो मुस्कुराने की वजह आप खुद हो तो खुद को जानोगे तो ये कह पाओगे क्या आप अपनी लिमिटेड सोच की दीवार को तोड़कर क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग करने की कला सीखना चाहते हैं खुद को लिमिटेड बनाने वाली धारणाओं को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की इच्छा रखते हैं जीवन का उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अपना उच्चतम जीवन निर्माण करने की एम्बिशन आपके पास है अगर आप अपनी हाइएस्ट पोटेंशियल को पहचान कर अपने जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं तो सर श्री निर्मित बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग स्पिरिचुअल सुबोटिंग एंड रीबूटिंग यह तीन दिवसीय निवासी शिविर आपके लिए है क्योंकि यह शिविर हमें सामान्य थिंकिंग के पार जाकर मन की गहराई में जाना सिखाता है और हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है तो आज ही बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद